शांति। आज की तारीख है 8/10/23 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/1/96 की मुरली है। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व में मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा। तो बालक भी हो तो मालिक भी हो, विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो, विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा बालकपन का नशा, चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में, मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब तो बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से भी बार बार क्या निकलता है कि बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं, एक हैं दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। अच्छा, अब हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप के द्वारा याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले कि चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज का वरदान है शिव पिता का, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी भी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वह तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को
सदा साथ रखते हैं। इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन है बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। ओम शांति।